तो बेसिकली जो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फंक्शन दैट ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्म्स, तो उसमें सबसे पहला कैटेगरी है स्टाफिंग. और स्टाफिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वन बाय वन डिटेल में भी बात करेंगे, बट अभी हम एक रफ ओवरव्यू ले लेते हैं. सो इट इन्वॉल्व स्टाफिंग, जिसमें लेट्स से कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको चाहिए कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. इसके अलावा उनके लिए राइट स्किल्स क्या है उन जॉब्स के लिए, उनकी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. सो इसमें जॉब एनालिसिस आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जिसको HRP भी कहा जाता है वो आ जाता है, इसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आते हैं. सो स्टाफिंग जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनएबल टू मैच द राइट जॉब टू द राइट कैंडिडेट, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत सारा ज़्यादा हैम्पर होती है. सो स्टाफिंग इज द फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट का मतलब है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह डिवेलप करते हैं कि वो फ्यूचर के जो टास्क हैं या चैलेंजेस हैं उनको ईजिली हैंडल कर सके, सो दैट आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो भी है वो अचीव हो सके, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो या प्राइवेट हो. सो डिवेलपमेंट इन एनी केस इज इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड.